तो गाइस देखिए, ये लाल किला है, इसके सामने जो रोड जा रहा है बिल्कुल इसके करंट साइड में, ये अपने भाई की आलिया बेड शॉप के नाम से शॉप है, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कॉकटेल से। तो भाई और बाकी अपने बजीज आ जाते हैं, कलर आते हैं, सेवन कलर आते हैं इसके अंदर, थ्री कलर लवबर्ड्स हैं, लवबर्ड्स में रोजी लोटिनो फीचर अलग अलग ब्रीड मसकली। हाँ जी, और बाकी लखा भी कहते हैं ना, और पेंटेल भी कहते हैं ना। हाँ जी, और रैम्बो लोरी इसको बोलते हैं, रैम्बो लोरी। ये टाइम टाइम पॉलिश है। कौन से भाई? ये पॉलिश है, पॉलिश। हाँ जी, ये टाइम टाइम पॉलिश होती है, इम्पोर्टेड हैन है, लॉन्ग टर्म वैदा। हाँ जी, तो वैदा करके कोई है, इम्पोर्टेड है कहाँ की? ये एक्सपर्ट है, मेरा ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन चीनी फॉल्स। हाँ जी, चीनी मुर्गी भी कहते हैं ना हिंदी में, चीनी मुर्गी कहते हैं। ये हंस बत्तख है, हंस बत्तख है, हंस। हाँ जी, ये 2 महीने की बेबी है, 2 महीने। इनका साइज इतना ही बड़ा रहेगा, थोड़ा सा साइज बड़ा होगा बस। बाकी केजेस भी हमारे पास अवेलेबल, केजेस भी बहुत टाइप की इसके अवेलेबल है, तो थोड़ा आपको केजेस वगैरह बता देते हैं। तो वैसे देखिए नेच भी होते हैं इनके, कितने का? ये 20 के अंदर अवेलेबल है, बाहर लगाने की सनफ्लावर थी, क्योंकि हमारे इंडिया में मिक्सर से शॉप से मिलती है, ये जो है शॉप से अवेलेबल नहीं हो पाती है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे ऑल अबाउट पेट्स एंड बर्ड। तो गाइस आए हैं हम आज जामा मस्जिद के पास जो बर्ड शॉप है, और ये आप देख सकते हो इधर लाल किला है, ठीक है। लाल किले के बिल्कुल सामने ये लाइन से बर्ड शॉप है, ठीक है। तो गाइस बहुत टाइम से जो है कमेंट आ रहे थे कि भाई यहाँ की जो वीडियो है दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, और यहाँ का क्या रेट है, क्या क्या चीज़ मिल जाती है, वो सब दिखाओ आप। और जो भी आज आपको दिखाते हैं कि क्या क्या रेट है, क्या क्या अवेलेबल है, और क्या रेंज तक आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो भाई जो भी आज आपको दिखाएंगे ओवरऑल, और बाकी गाइस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। गाइस देखिए, मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सबका, ठीक है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते वीडियो। तो गाइस देखिए, ये लाल किला है, इसके सामने जो रोड जा रहा है बिल्कुल इसके करंट साइड में, ये अपने भाई की आलिया बेड शॉप के नाम से शॉप है, ठीक है। तो जो भी आप दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या रेट चलिए, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, वो जो है आपसे वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये सारे भाई हैं जो आपको इस शॉप पे मिलेंगे। भाई आपका नाम? नहीं नाम भी बता दो। जुगनू भाई। जुगनू भाई, ठीक है। तो भाई आपका? दानिश। आपका? कमलदीप सिंह। कमलदीप सिंह, ठीक है भाई। राजा। तो ये भाई हैं जो आपको इस शॉप पे मिलेंगे। और बाकी भाई शॉप नंबर क्या है? सेवन शॉप नंबर 7 आप यहाँ पे आ सकते हो, और बाकी ये भाई आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं कॉकटेल से। तो भाई कॉकटेल का क्या पेयर है? ये कॉकटेल 2400 रुपये का पड़ता है। 2400 बेबीज है पर पेयर। हाँ जी, ये बेबीज है। अच्छा, अभी मतलब अलर्ट नहीं है अभी? ये अडल्ट नहीं है, अडल्ट ये 3000 रुपीज का पर पेयर। 3000, ठीक है। 3000 रुपये का ये पेयर है, उसके अंदर क्रीम भी है, और क्या कहते हैं भाई ब्लैक वाले को? ब्लैक वाले को ये येलो फेस बोलते हैं, कॉकटेल येलो फेस। कॉकटेल येलो फेस, इसमें लोटीनो भी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग ब्रीड है। तो उसका क्या, उसका क्या? 3000 रुपीज़ का पेयर है, चॉइस आप पे, आप कौन सा लोगे, ठीक है। और बाकी कम हो जाएंगे ना ये भी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सेम है अलग? बेबीज़ हैं ये भी, बेबीज़ हैं। 2400 रुपये का पेयर है। और बाकी अपने बजीज आ जाते हैं, ये 400 रुपीज़ पेयर होता है, फाइट बजीज़। फाइट बजीज़? हाँ जी। तो फाइट बजीज मतलब कैसे होते हैं? एडल्ट पेयर होते हैं, ब्रीडिंग पेयर, इसमें कलर आते हैं, 7 कलर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब फाइट क्यों कहते हैं ना? फाइट ये एक ब्रीड है, ये फाइट। अच्छा पाइड, मुझे लगा फाइट, ठीक है सॉरी। तो ये साइकिल है, पाइड ब्रीड है, 400 रुपये पेयर है, अडल्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो अडल्ट ही, मतलब अडल्ट की ओर पे जा रहे हैं, आप देख सकते हो उनकी आँखों पे रिंगाना मतलब चालू हो गया, मतलब अडल्ट पे जा ही रहे हैं बस, ठीक है। और बाकी ये भी बजीज हैं, इनका अलग सेम है? बजीज हैं, हॉलैंड बजीज बोलते हैं इनको, 500 रुपीज का पेयर है। ये फुल अडल्ट है ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये फुल अडल्ट है, ये 500 रुपीज पेयर है। ये अफ्रीकन लवबर्ड्स हैं, लवबर्ड्स में रोजी लोटिनो फीचर अलग अलग ब्रीड हैं, सब 3000 से स्टार्टिंग है। तो 3000 से 4000 रुपीज़
3000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, इसमें 4000 रुपीज़ तक का पेयर है। 4000 तो बता दो कि कौन सा? इसमें ग्रीन वाला जो रोजी है, प्लेन वाला, वाइट चोच वाला, ये 3000 का है। फिशर इसमें 3500 का है। लोटिनो जो है इसमें 4000 रुपीज़ का है। 4000 का लोटिनो, ठीक है। बाकी चूजे भी हैं तो वो जाएंगे 5 रुपये। चूजे जो होते हैं मुर्गी के, वही नॉर्मल, ये अपने 5-5 रुपये। ये मसकली पिजन है, ठीक है। ये सिंगिंग पिजन है, मसकली। हाँ जी। और बाकी लखा भी कहते हैं ना, और पेंटेल भी कहते हैं ना। हाँ जी। और इसका क्या पेयर है? 1500 रुपये का पेयर। 1500 का पेयर, ठीक है। सुधाविश रोजी के 1500 रुपये का पेयर है। आपको भाई बत्तख, ये हंस बत्तख है, हंस बत्तख है। हंस, हाँ जी। 4000 रुपीज़ का पेयर है, अडल्ट पेयर। 4000 का अडल्ट पेयर। अच्छा, यहाँ पे अभी अच्छा अलग अलग है, अलग अलग है। 4000, ठीक है भाई। तो ये 4000 का पेयर है। और बाकी ये कौन सी मुर्गी है भाई, बताना ज़रा। मुर्गे ये बैंटम पोलिश है। कौन से भाई? ये पॉलिश है, पॉलिश, पॉलिश। हाँ जी, ये बैंटम पॉलिश होती है, हैन, इम्पोर्टेड हैन है। ये 7000 का पेयर है। 7000 का, ठीक है। तो गाइस, तो ये 7000 रुपये का पेयर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट होते हैं ये फैंसी, तो ये फैंसी कॉक्स भी इनके पास, फैंसी मुर्गे। 7000 रुपये। बाकी भाई इनको क्या कहते हैं? क्या चीनी फॉल्स? हाँ जी, चीनी मुर्गी भी कहते हैं ना हिंदी में, चीनी मुर्गी कहते हैं। 3500 रुपये का पेयर है। 3500, ठीक है। तो ये 3500 रुपये का जो है पेयर है गिनी पॉल्स, चीनी मुर्गी भी कहते हैं ना। और बाकी आपको अंदर भी दिखाते हैं अभी। ये गए तो अंदर की साइड जो है, ये भी फिर बजी कोकोटेल्स आ जाते हैं भाई। कौन से कोकोटेल्स हैं ये? सब वही जो आपको बताया, वही नॉर्मल कोकोटेल है। सामान कुछ माल बाहर डालना पड़ता है, कुछ अंदर डालना पड़ता है। नहीं, इनको कुछ कहते नहीं है, डॉट्स वाले। हाँ, ये डॉट वाले पाइट बोलते हैं इनको, पाइट कोकोटेल है। पाइट कोकोटेल का पेयर। ये बजीज हैं, ये रैबिट हैं, गिनी पिग हैं। वही सेम रेट 400-500 ना? हाँ जी, ठीक है। तो ये अपने रैबिट आ जाते हैं। रैबिट 100 रुपीज़ का पेयर है, नॉर्मल रैबिट। निकाल के दिखाओ, 100 रुपीज़ का पेयर है। ये नॉर्मल रैबिट है, ये नॉर्मल रैबिट। हाँ जी, ये 600 रुपीज़ का पेयर है। कि बेबीज है? ये बेबीज है। और ये गिनी पिग है। क्या है ये? गिनी पिग, गिनी ऑस्ट्रेलियन गिनी पिग। ये 1000 रुपीज़ का पर पेयर है। 1000? हाँ जी, ये सब रैबिट है। 1000 रुपये का है। और रैबिट का 600, 600, ठीक है। तो रैबिट का 600, 600। ये भी सेम है? हाँ जी, ठीक है। तो ये बेबीज हैं सारे। और बाकी फिर यहाँ पे अपना, तो भाई इस साइड वही अपने बजीज आ जाते हैं। और बाकी ऊपर के साइड थोड़े फैंसी दिख रहे हैं। तो भाई कौन सा है ये? रेड लोरी है। ये अगर होलसेल रेट में लोगे आप, इसको होलसेल रेट आपका 45000 का मिलेगा। और अगर एक पेयर रिटेल वगैरह के लिए लेना है, घर के पालने वगैरह के लिए, तो आपको ये 45000 का मिलेगा। 45? हाँ जी। उधर वैदा है, लॉन्ग टेल वैदा बोलते हैं इसको, एक्सप्रेस पैरो, इसको लॉन्ग टेल बोलते हैं। ये फाइनल रेट 25000 रुपये का पड़ेगा। 25000? लॉन्ग टेल कौन सी? लॉन्ग टेल वैदा, वैदा। हाँ जी, तो वैदा करके कोई है। इम्पोर्टेड है कहाँ की ये? एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो बहुत ही लंबी पूछ रही थी। बाकी जो इसके बेबीज होंगे वो भी ऐसे होंगे? या फिर ये एक्सपेंसिव है? नहीं, इसके बेबीज भी ऐसे होंगे। मेल के, मेल होगा तो तेल ऐसी होगी, फीमेल होगा तो नॉर्मल तेल होगी। ठीक है, तो ये मेल है जो इसकी तेल इतनी लंबी है। बाकी जो इसकी फीमेल आप देख सकते हो, उधर बैठी है, उसकी तेल इतनी नहीं है। और बाकी ये सारे ये बड़ी रैबिट है, ऑस्ट्रेलियन रैबिट। ये इतना ही बड़ा रहेगा, ये 2500 का पेयर है। मतलब इतना ही रहेगा ना इनका साइज? हाँ जी, आप देख सकते हो। हाई पर हाथ से भी छोटे भाई, एक बार हाथ में लेना। ये बनी रैबिट है, इतने छोटे हैं। ये 2 मंथ की रैबिट है, 2 मंथ। इनका साइज इतना ही बड़ा रहेगा, थोड़ा सा साइज बड़ा होगा बस। ठीक है, कितने का? 2500 का पेयर। 2500 रुपये का पेयर है, 500। और बाकी सीड्स भी हैं भाई के पास, थोड़ी भी हैं। सनफ्लावर सीड्स है, कंगनी फूड्स है। कितने के जी की? सनफ्लावर सीड्स का 100 रुपीज़ का पैकेट है, और नॉर्मल बजीज का जो फूड है 100, वो 550 रुपीज़ का पैकेट है। तो इसके अंदर कितने के जी है? इसमें 500 ग्राम दाना है। 500 ग्राम, 100 रुपीज़ का। तो आधा किलो 500 ग्राम दाना है बजीज का जो फूड है, वो 50 रुपीज़ का पैकेट है। 50 का? हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या किलो है? ये बजीज का फूड है, कॉकोटेल का, लबर्ट का फूड है।
तो मतलब कितने किलो है इसके अंदर? आधा किलो है 50 रुपये, आधा किलो 50 रुपये का, ठीक है तो 100 रुपये किलो हो गया ये भी। केजेस भी बहुत टाइप की इसके अवेलेबल है, तो थोड़ा आपको केजेस वगैरह बता देते हैं। ठीक है भाई, तो केज कौन सा भाई सबसे सस्ता कौन सा केज स्टार्ट होता है? नॉर्मल केज 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है वहाँ। ठीक है 100 रुपीज़, तो एक केज होता है ये फोल्डेबल है ना? फोल्डेबल होता है ये, नॉर्मल केज ले जाने के लिए बर्ड वगैरह के लिए नॉर्मल केज 100 रुपीज़ का होता है। अरे ठीक है 100 रुपीज़। वो आखिर इसके अंदर एक फोल्डेबल भी आता है ना? फोल्डेबल केज वाला आता है 400 रुपीज़ का, 400 वाला 600 का आता है। ठीक है तो ये वाला जो है ये 400 का है, एक बजे इसके पैर के लिए बहुत है। ठीक है और बाकी इसके अंदर ये फीडर्स के साथ ही आएगा? हाँ जी सब चीज़ इसके साथ आएगा। ठीक है तो ये फीडर्स वगैरह के साथ आएंगे, और बाकी अगर आप थोड़ा बड़ा लोगे तो ये 600 में आ जाता है, और बाकी इससे बड़ा ये 900 रुपये का आता है। 900? हाँ जी। ठीक है ये इससे बड़ा 1100 रुपये का, इसके अंदर नेच भी बना हुआ है 650। ये सब बर्ड्स के लिए पैरेट का देते हैं, 700 रुपीज़ का कीजिए पैरेट का, 700 ये 700 का है, 400 का। और बाकी अले केज भी इनके पास मटके वाले, ये कितने का? 400 रुपीज़। 400। तो बाकी से इसके अंदर बड़ा साइज़ भी आता है? बड़ा भी मिल जाता है, अभी ख़त्म है 600। और अगर से इस साइज़ का लेंगे तो ये 2000 रुपीज़ का, 2000 का। ठीक है अगर आप इस साइज का केज लेंगे 250 का। तो वैसे कि नेच भी होते हैं इनके, कितने का? 250। तो इसका साइज़ क्या है? इसका 1/2 का साइज़ होता है। 1/2 का साइज़ है, ठीक है तो 1/2 का साइज़ है। अगर तो फ्रंट में इसके एक होल है, तो फ्रंट इसके अंदर ही है इसके ना, ये देखिए इसके अंदर अवेलेबल है बाहर लगाने की, और बाकी ऊपर तक खुलता है 250। हाँ जी ठीक है 250 का है। और इससे बड़े भी हैं? इससे बड़े वगैरह के लिए 600, 400, 900 अलग अलग रेट के लिए। अच्छा मतलब हर रेट के हैं लेकिन अभी नहीं है। ठीक है तो पोपटेल वाले भी मिल जाएंगे, तो उसका रेट क्या होगा? पोपटेल वाले का 800 रुपीज़ का पेयर होता है। 800 का? 800 का 1 बॉक्स होता है पोपटेल। उसका साइज़ क्या होगा? उसका 2x1 का साइज़। 2x1 का साइज़ होता है। ठीक है तो बाकी ये देखिए ये भी हैं भाई, बड़े वाले भी हैं लेकिन इनका भी माल जो है इनका शॉप खुल है। और बाकी जो है हमें एक इस साइड भी दिख रहा है, तो गाइस देख सकते हो वो सामने हुआ है लाल किला, और इसके सामने जा रहा है रोड, रोड के साइड में है ये एक और साइड में छोटा वाला रोड, इसके सामने है ये बर्ड्स की शॉप। ठीक है तो ये सारी शॉप से बर्ड्स की। ठीक है भाई तो ये है हमारे राशिद भाई, इनकी शॉप थी। ठीक है भाई, भाई लोगों का सवाल है कि भाई जो एग्जॉटिक जो बर्ड्स हैं जैसे मकाऊ वगैरह वो अवेलेबल हो जाएंगे? वो सब अवेलेबल करते हैं हमारे पास, मकाऊ, गिरे पैरेट, सनकनोर, लोरी, तो जितने भी एग्जॉटिक ऑल बर्ड अवेलेबल अवेलेबल है सर, कोई सी भी स्मॉल ब्रीड से लेके बिग ब्रीड तक सब अवेलेबल, जितनी भी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं भाई के पास आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है तो भाई का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी होलसेल रेट के अंदर, और दिल्ली की जितनी भी शॉप्स हैं सब इन्हीं भाई से लेते हैं। तो अगर तो आपको होलसेल में चाहिए दुकान के लिए तो भी जो है आप भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है वो? व्हाट्सएप नंबर? ठीक है व्हाट्सएप नंबर है, सारे एक्जॉटिक नॉर्मल बर्ड्स अवेलेबल हैं, तो आप जो है भाई से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आके से ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो क्या करो यार, लाइक करो ताकि तुम्हारा भाई को अच्छा लगे, अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं यार, डिसलाइक करो ताकि बड़ा भाई को पता लगे कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और अच्छी क्यों नहीं लगी ये ज़रूर कमेंट में लिखना, ताकि उस चीज़ का हम अपने चैनल पर सुधार कर पाएँ, अपनी वीडियोज़ के अंदर उस चीज़ का हम सुधार कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो कमेंट में बताओ आपकी जो भी राय है और जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, क्योंकि गाइस देखिए मेहनत मेरी रहमत उसकी प्यार आप सबका। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और बाकी स्टे होम स्टे सेफ कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। ठीक है टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड बाय। तो भाइयों ये जो दुकान है ये सारी की सारी दुकान ये है, अब ये मत कहना कि भाई इनकी इसकी वीडियो नहीं बनाई इसकी वीडियो नहीं बनाई, सब एक है, सब पे प्राइस सेम है। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, तो एक दुकान पे जो चीज़ है वही अगली दुकान पे भी है, और रेट भी जो है सबका सेम है। ठीक है तो ये मत बोलना कि भाई इसके साइड वाले की दिखाओ। ठीक है तो एक ही बात है, एक ही प्राइस आपको हर दुकान पे मिलेगा, है ना भाई? अलग अलग प्राइस तो नहीं है हर दुकान पे, एक ही प्राइस है और एक ही बंदे हैं सारे भाई, यहाँ आपस में काम कर रहे हैं सब। ठीक है गाइस, तो सबके जो है एक ही प्राइस है, वो कोई आपके अलग बात नहीं है, जो इस दुकान पे वही हर दुकान से है। ठीक है।